हेलो फ्रेंड्स, जय मनुष्यता, हेल ह्यूमैनिटी। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं सांबा से 25 किलोमीटर दूर और जम्मू से लगभग 65 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव में जिसका नाम है मोहरगढ़। और इसी मोहरगढ़ गांव में बसा है मोहरगढ़ किला। ये एक हजारों साल पुराना किला है और इसके इतिहास के बारे में लगभग किसी को भी नहीं पता। ऐसा माना जाता है कि 1555 ईस्वी में राजा सिकंदर सूरी यहाँ पर आए थे, बट उसके बाद इस पर काफ़ी रिसर्च होने के बाद ये पता चला कि ये किला 1555 ईस्वी से भी पुराना है और इसके इतिहास के बारे में हम ऐसा बोल सकते हैं कि लगभग किसी को भी नहीं पता है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इसी ऐतिहासिक पुराने मोहरगढ़ किले में। रास्ते में आपको एक बहुत बड़ा तालाब मिलेगा और इस तालाब के पास आपने रुक जाना है। सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे आप अपनी कार या बाइक कुछ भी पार्क कर सकते हैं। अगर बाइक है तो बाइक थोड़ी आगे तक भी आ सकती है। तो वहाँ पे एक कार अपनी पार्क करके यहाँ से थोड़ा पैदल चलना है। तालाब के साथ साथ ये रास्ता है। तो ये जगह जो है वो इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है और यहाँ पर ज़्यादा टूरिज़्म वगैरह है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इस जगह के बारे में पता ही नहीं है। तो मेरे इस व्लॉग्स का यही मकसद है कि जम्मू की जो हिडन ब्यूटीज़ हैं, जम्मू की जो ऐसी स्पॉट्स हैं जो कि फेमस होनी चाहिए बट नहीं हो पा रही हैं, वो भी लोगों के सामने आए और हमारे देश के लोगों को पता चल सके कि जम्मू में भी कितनी सुंदर सुंदर जगहें हैं। तो ये जो मेरी सीरीज़ बन रही है एक्सप्लोरिंग जम्मू विद अ डोगरा, तो इस सीरीज़ में हम आपको पूरे जम्मू का जो हिडन जेम्स हैं, जो हिडन टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ पे आपको लेके जाएंगे और ऐसी जगहें जहाँ पे आज तक ज़्यादातर लोग नहीं गए हैं, नेट पे उसकी वीडियोस अवेलेबल नहीं हैं, वहाँ पर आपको लेके चलेंगे और आपको दिखाएंगे जम्मू की खूबसूरती। तो तुस इत्थे रौंदे हो? ये अंकल जी का घर है। अंकल जी के घर के कन्ने गै बिल्कुल एक किला स्टार्ट हो जाता है। अंकल जी तुंदा के नाम है? मेरा मदन लाल। अंकल जी किश पता है इस जगह दे बारे, कुने बनाई, कुने के, कोई इदा किश आखना? जियां आखदे भला गेट जेड़ा ओ भीम सेन ने लाया, कोई कोई पता नहीं, जेडे कोई कहावत कुवत थानू पता सानू भी सुनाओ किश। असीं कोई पता नहीं, कोई कहावत नहीं पता। तो जैसे कि आपने सुना इसके बारे में, कुछ जो बिल्कुल साथ में जिनका घर है उनको भी ज्यादा कुछ पता नहीं है। कह रहे हैं कि बुजुर्गों को भी नहीं पता, बड़ी जब से पैदा हुए तब से ऐसे ही देखा है, तो ज़्यादा कुछ नॉलेज किसी को भी नहीं है। जैसे ये बुजुर्ग बोल रहे हैं कि क्या खाए तो 1100 साल साढ़े बुजुर्ग है ना, जेडे बुजुर्ग साढ़े दादी दादा वगैरह उन्हें भी पता नहीं, हजारों साल पहले ना आए। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे कि इनका कहना है कि हजारों साल पहले से ये बना हुआ है। तो इनके जो बुजुर्ग हैं जो इधर रहते हैं, हालांकि इनके साथ में घर हैं बिल्कुल, इन्हें भी कुछ हिस्ट्री वगैरह इसकी पता नहीं है। फिलहाल आपको दिखाते हैं इस खूबसूरत जगह के सिनेमैटिक व्यूज। Thank you.
पे आके कैसा लग रहा है आपको? मुझे हरियाली और ये मोरगढ़ जो डेवडी बहुत पसंद आई है, काफी देर से तुम क्या लिखा मेरी आज मेरे हस्बैंड के बर्थडे पे मुझे दिखाया ये। तो मम्मी हम जब भी सांबा वाली साइड आते थे मम्मी हमारी बोलती थी मोड़गढ़ जाना है, ड्योडी देखने जाना है। ड्योडी मीन्स डोगरी में गेट को ड्योडी बोलते हैं। तो आज डैडी का जन्मदिन है और डैडी के जन्मदिन पे हम लोग घूमने आए हैं और डैडी ने मम्मी की बहुत पुरानी तमन्ना अपने जन्मदिन पे पूरी कर दी है। तो फिलहाल अभी हम किले से निकल कर जा रहे हैं वापिस और अभी हमने बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है। तो बने रहे हमारे इस ब्लॉग के साथ, आगे हम आपको लेके चलेंगे अपने पापा के बर्थडे सेलिब्रेशन पे। ये ज्यादा कष्ट नहीं करते ना ये खाओ यार मम ओ पूरा आया भाई मारो मारो मुझे मारो